भारत के गुजरात राज्य के पश्चिम सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित चार धामों में से एक धाम और सात पवित्र पुरियों में से एक पुरी है द्वारिका। यहाँ पर श्री कृष्ण का एक प्राचीन मंदिर है और समुद्र में डूबी हुई द्वारिका नगरी। द्वारिका दो हैं, गोमती द्वारिका, बैठ द्वारिका। गोमती द्वारिका धाम बैठ द्वारिका पुरी है, जहाँ समुद्र मार्ग से जाना होता है। चारों धामों में से एक द्वारिका धाम मंदिर लगभग 2000 से भी ज़्यादा पुराना है। द्वारिका मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर रुक्मणी का मंदिर है, जो एकांत में है। माना जाता है दुर्गाशा ऋषि के श्राप के कारण उन्हें एकांत रहना पड़ा। मंदिर को वर्तमान स्वरूप 16वीं शताब्दी में प्राप्त हुआ। द्वारिकाधीश, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, माना जाता है इस मंदिर के निर्माण में श्री कृष्ण के पड़ पोते ब्रजभान ने किया था। कहते हैं श्री कृष्ण प्रतिदिन उत्तराखंड चमोली में स्थित बद्रीनाथ धाम में सरोवर में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद श्री कृष्ण गुजरात के समुद्र तट पर स्थित द्वारिका धाम में अपने वस्त्र बदलते हैं। वस्त्र बदलने के बाद श्री कृष्ण ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ धाम में भोजन करते हैं। भोजन के बाद प्रभु तमिलनाडु के रामेश्वर धाम में विश्राम करते हैं। विश्राम के बाद भगवान पुरी में निवास करते हैं। यह मंदिर चारों ओर परकोट से घिरा हुआ है। इनके उत्तर दिशा में मोक्ष तथा दक्षिण में स्वर्ग का द्वार है। यहाँ से 56 सीढ़ियाँ चढ़कर स्वर्ग द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर के पूर्व दिशा में शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा पीठ स्थित है। यह द्वारिकाधीश मंदिर 5 मंजिला इमारत का तथा 72 स्तंभों द्वारा किया गया है। मंदिर का शिखर करीब 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है। झंडा दिन में 5 बार निकाला जाता है, लेकिन प्रतीक एक ही रहता है। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका को द्वारावती, कुश स्थली, अनार्तक, ओखमंडल, गोमती द्वारिका, चक्रतीर्थ, अंतर्द्वीप द्वारिका दुर्ग स्थान भी कहा जाता है। कहते हैं कि शहर में सोना, रजत और रत्नों के साथ 7 लाख महल थे और वनस्पति उद्यान और झील भी थे। पुराणकार मानते हैं कि श्री कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के 7 द्वारिकाधीश आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज्य किया। उनके देहांत के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। ये भी कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और दुर्वासा ऋषि ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था, जिसके कारण द्वारिका नष्ट हो गई थी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग के समुद्र में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। तो ये थी द्वारिकाधीश के बारे में कुछ अननोन बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।